सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 14। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभो, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासन अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजो, जिन्होंने ब्राह्म्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विविध समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वे देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वीरों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परम श्रेष्ठ ब्रह्मा का आयुष्य कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु को भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि सात ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त सात वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनेश्वर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये सात वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की पांच प्रकार की ही पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है, उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है।
इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा तीन वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नी सहित ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि का पूजन करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यज्ञ पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षडरस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्थान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य फल आदि देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्यान्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अध्याय 15, देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना के महत्व का स्थान जाना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का स्थान यह जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है।
कलयुग में एक चौथाई ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी एक चतुर्थांश कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए, उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विश्व नामक योग में किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब वह समय जब सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं, वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की 9वीं तिथि या अंग्रेजी 21 मार्च को और दूसरा सौर अश्विन की 9वीं तिथि या अंग्रेजी 22 सितंबर को। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का सब समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान दान का जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति का दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और गायननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन देता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान जप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदाता अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वही वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है, जो सवाल या याचना करने की बात दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाला होता है। विप्रवरो जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ भूमि तिल सुवर्ण घी वस्त्र धान्य गुड़ चांदी नमक कोहणा और कन्या यही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्य धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान षडरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुशमांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोग की प्राप्ति कराने वाला है।
विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा और इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्त्रोत और जप आदि की वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा आदि व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से फल का भागी होता है। तो यहाँ पे हमारा 15वां अध्याय समाप्त हो गया है। बोलो हर हर महादेव। जय पार्वती मैया की।